वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं फॉर के एपिसोड फोर में क्या होने वाला है उसके बारे में तो पिछले एपिसोड के मुताबिक अब नील को भी हिम के साथ अच्छा लगने लगा है और जैसे हिम उसको पसंद करता है वो भी हिम को पसंद करने लगा है इसीलिए नील हिम से कहता है कि उसे हिम को डेट करने के बारे में ट्राई करना चाहिए तो हिम कहता है ट्राई मत करो बस मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ तो हिम की बात सुनकर नील बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हिम तो ऐसे ही बहुत खुश था क्योंकि वो तो कब से यही चाह रहा था इसके बाद हिम नील को अपने बाहों में भरकर सो जाता है और अगले दिन सुबह जब नील की आँख खुलता है तो वो खुद को हिम के बहाव में देखता है जिससे नील को बहुत ही ज़्यादा शाई फील होता है तो हिम के बाहों से खुद को छुड़ा कर बेट से उठने जाता है पर तभी हिम की भी नींद टूट जाता है और नील को खुद को अपने बाहाओं से छुड़ाते हुए देख कर उसको और कस के पकड़ लेता है जिस वजह से नील हिम के सीने में गिर जाता है और वो और भी ज़्यादा शाई फील करता है तो नील शायली स्माइल करके हीम से पूछता है कि वो वही क्या कर रहा है तो हिम कहता है कि अब तो वह दोनों कपल है हिम की यह बात सुनकर नील हिम के सीने पर अपना सर रख के लेट जाता है और हिम से कहता है मैंने जो तुमसे कल रात को कहा था क्या उसके बारे में अभी दोबारा अच्छे से बात कर सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है तो हिम भी नील के बातों को समझता है और नील के सर पे अपने हाथों से सहला कर उससे कहता है कोई बात नहीं पर क्या हम एक महीने के लिए एक दूसरे को डेटिंग करके देख सकते हैं और अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे तो हम हमारे रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे तो नील को हिम का ये आइडिया पसंद आता है इसलिए वो हिम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है उसके बॉयफ्रेंड बनने का जिसके बाद हम हीम और नील को बेड पर एक दूसरे के साथ कदल करते हुए देखते हैं फिर हीम नेल को उसके डिपार्टमेंट पर छोड़ने जाता है पर हीम नील को छोड़ना नहीं चाह रहा था इसलिए शायद नील उसको क्लास में जाने देने के बदले हिम के चिक्स पर एक किस करता है जो कि बहुत ही प्यारा सीन है इधर चाव और भाई का बीच का रिश्ता भी अब बहुत ही इम्प्रूव हो चुका था और चाव तो अक्सर फाई के साथ उसके घर पर रहता है इसलिए फाई चाव से कहता है तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो और भाई की यह बात सुनकर चाव को बहुत ही खुशी होता है फिर हम नेल और टी के बातचीत देखते हैं जहां पर फिर से टी नेल को अप्रोच करने की कोशिश करता है पर जैसे कि इस बार टी के इंटेंशन के बारे में पहले से ही जानता था इसीलिए उससे सख्त लहजे में बात करता है तभी टी नेल के हाथों में फूड का पैकेट देख उससे पूछता है की वो ये किसके लिए लेकर जा रहा है तो नेल कहता है कि ये सब वो अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा है और वो हिम के घर पे जाता है जिसको टी देख लेता है क्योंकि शायद टी भी हिम के खंडों पर ही रहता है फिर हम इस एपिसोड के ट्रेलर में एक और सीन देखते हैं जहाँ पर शायद नेल बीमार था और हिम उसका ख्याल रखता है एक बिल्कुल बॉयफ्रेंड की तरह और नील इस बार हिम के साथ बहुत कडल करने की कोशिश करता है जो कि हिम भी उसको करने देता है क्योंकि हिम को भी नेल का ये रूप बहुत ही अच्छा लग रहा था ओके गाइज आज के स्पॉयर में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों